like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. हे डूड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। तो गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक नए एंड प्यारे से ब्लॉग में। तो गाइस, मैं अभी ऑन द वे हो गया हूँ एंड मॉर्निंग का सीन है, देख सकते हैं आप। और जो कल 101% का चैलेंज दे रहे थे ना हमारे प्रिय मित्र, उनको मैं 2-3 बार कॉल कर चुका हूँ, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया यार। मतलब सो रहे होंगे भाई जब आराम से। तो बड़ी चलते हैं, एंड पांडे जी को कॉल कर दिया है, वो रेडी हो रहे हैं 10-15 मिनट में। एंड फिर मैं और पांडे जी दोनों ही फिर से जा रहे हैं आज घूमने के लिए। और मोहित तो सो रहा है पक्का, क्यों कल कह रहा था 101% चलेंगे बट सो रहा है। चलते हैं डूड, धीरे धीरे ऑन द वे हो अभी, और देखते हैं आज का सीन क्या रॉकिंग होने वाला है बड़ी। हे डूड, तो यार मैं अभी अम्बेडकर सर्कल पर आ गया हूँ एंड मैं बैठा हूँ अभी एक ठेले के अंदर, देख सकते हैं आप। एंड सामने का सीन देख सकते हैं डूड, अम्बेडकर जी की मूर्ति है जिसको क्लासिक तरीके से सजाया गया है। तो बेसिकली मैं उसका वेट कर रहा हूँ पांडे जी का, बिकॉज वो भाई साहब बड़े लेट उठे आज भी, एंड अब यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जल्दी से वो आ जाएं तो फिर उसके बाद आगे को निकले। ओके डूड, चलते हैं बड़ी। हे डूड, तो यार पांडे जी फिलहाल आ गए हैं। राधे राधे सर, बस निकालो। राधे राधे। तो देखो पांडे जी, हाँ अभी सूरज नहीं उदय नहीं हुआ है इसलिए उठ जाए तो अच्छा रहेगा। तो पांडे जी ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी बॉस कर रहे हैं। एंड कल हम लोगों ने काफ़ी मस्ती करी थी यार, एंड आज मोहित को कॉल किया तो वो सो रहा है आराम से, फ़ोन नहीं उठा रहा। कल कह रहा था 101%, मुझे पता है उसका, मेरी दोस्ती काफ़ी सालों से है, उसका 101% कभी नहीं होता है, ठीक है। 101% में से 100% डाला, कोई 1% बचता है उसकी बात का। कुछ नहीं बेचारा, मिठाई तोलते तोलते थक जाता है, सही बात है। तो हम लोग ऑन द वे हैं अभी एंड लेट तो काफ़ी हो गए। पांडे जी की वॉकिंग भैया, ओह भाई साहब, अभी से स्टार्ट, बड़े अंगड़ाई ले रहे हो यार तुम्हें, क्या मतलब है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या सा है बताओ? जीता वही से करता। अच्छा, जो जीता वही, तीन निशान पे लगाते हो भाई। मौसम बहुत ठंडा है, मौसम ठंडा है, ठंडे मौसम का मज़ा लीजिए। तो बेसिकली यार देख सकते हैं काफ़ी सीन अच्छा है, और काफ़ी लोग यहाँ पे भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ सीन आगे का। तो गाइस देख सकते हैं आप कितने पीपल्स यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं। डूड, तो यार मैं अभी जस्ट आ गया हूँ रेलवे ट्रैक पर, यहाँ रेलवे स्टेशन है निवाड़ी का। तो बड़ी ये है यहाँ का रेलवे ट्रैक, देख सकते हैं आप, ये ट्रेन आती है एंड पीछे है इसका रेलवे स्टेशन। हे डूड, तो यार अभी रेलवे ट्रैक पे काफ़ी देर से हम लोग, एंड अभी रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं आराम से। आज मॉर्निंग में निकले थे तो मॉर्निंग वॉक अच्छे से हो गया है, और सामने से ट्रेन आ रही है। डूड, मैं आपको ट्रेन दिखा रहा हूँ, क्या ट्रेन के नीचे मोबाइल डाल दें क्या? मालगाड़ी है यार, चक्कर में ये भी कोई गाड़ी है जिसे माल और तेल है। मेरे पीछे रहिए, ट्रेन जा रही है और हम लोग भी ट्रैक पर हैं। बाय बाय बॉस, चलो चलते हैं यार, लेट हो जाएंगे फिर। जाओ डूड, तो यार वापस जा रहे हैं हम लोग अभी रास्ते में, एंड इतना जल्दी टाइम होता है ना कि 7 o'clock होने वाले हैं जस्ट अभी। एंड तो पांडे जी कैसा रहा आज का सिस्टम, रॉकिंग? तो बड़ी चल रहे हैं अभी रास्ते में, एंड देखते हैं आज का सीन क्या बनता है, लेट नहीं हो जाए कुछ दिन। मैं पूरी बहुत जल्दी जल्दी से चल रहा हूँ बट थोड़ा बहुत तो लेट होने वाले हैं आज, बिकॉज बाइक तो लाई नहीं है तो पैदल पैदल जाना है। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर और बचा हुआ है, और यहाँ पे टाइम हो गया 6:54, तो 7 o'clock पे देखो पहुँचते। हे डूड, तो फाइनली घर पर आ गए एंड मैं 8-10 मिनट लेट हो गया हूँ, 7:10 हो गए यार, जल्दी आ रहे हैं फिर भी लेट हो गए। चलो जल्दी से फ्री करते हैं सारी प्रोसेस, गाड़ी उठाते हैं निकलते हैं।
7 o'clock टाइम मुझे शूटिंग हो रहा है यार, मतलब मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही। मिलते हैं रूट थोड़ी देर में। तो सार्थक देखिए आपके टेस्ट आ गए हैं, आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपके नंबर भी शो कराते हैं। निखिल के नंबर आए हैं 35 out of 50 में से, उदय के नंबर आए हैं 00 out of 50 में से, देवराय 24 number out of 50 एंड देन सार्थक सिंह ओनली 5 number out of 50। गधे कहेंगे बच गए तुम, वरना पटाई होती तुम्हारी यहाँ पे। और एक निशा सिंह 21 number out of 50 में से, निशा भी बच गई, पिटाई इसकी भी होनी थी। दिशा कौशिक 27 number, धारा राय 35 number। निखिल की और धारा की टक्कर है दोनों की, एंड दोनों को प्राइज भी मिलेगी। नब्या राय 80 number out of 50 में से। ये तो कुछ ए नंबर थे इन सभी बच्चों के, और बस अब इसके बाद लेस्ट कंटिन्यू चलेगी स्टडी। व्हाट्सअप डूड, तो यार अभी आ गए हैं शॉप पर एंड शॉप की पूरी मैंने क्लीनिंग कर ली है आज। इसके बाद जस्ट अभी तो आराम से यहाँ पे बैठो गाइस, बिकॉज यहाँ पे नून में कोई नहीं आता है दोपहर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ती है ना, रूट तो कोई आता नहीं जाना कस्टमर। इवनिंग में और मॉर्निंग में कस्टमर अच्छे से आते हैं। एंड गाइस तो मेरा लॉन्ग टाइम अभी इसी यहीं पे स्पेंड होता है, एंड अभी जस्ट मैं स्टडी करने वाला हूँ। अभी 2-3-4 घंटे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एंड इवनिंग में कहीं ना कहीं देखते हैं क्या सीन बनता है रूट और आज का लाइफ। इसका आज का लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट हो गया है बड़ी, एंड बाहर सूरज भगवान काफ़ी गर्मी बरसा रहे हैं डूड। देखिए आप, काफ़ी तेज़ धूप है यार। ओके बड़ी, तो मिलते हैं और देखते हैं आज के लाइफ का साइकिल बनता क्या है भाई। चलो चलते हैं। हे डूड, तो यार काफ़ी टाइम हो गया, एंड आज थर्सडे है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वेजिटेबल का मार्केट नहीं लगा बाहर, बिकॉज आज महावीर जयंती भी है जैनों की, एंड अम्बेडकर जयंती भी आई थिंक, तो उनकी भी आज यहाँ पे रैली वगैरह निकलेगी, तो वो निकली जब निकलती रहे, अभी तो अपन लोग इन्जॉय कर रहे हैं चने। एंड ये मॉर्निंग में डाल दिए थे, मॉर्निंग में नहीं डाले थे, रात में डाले थे, तो काफ़ी हेल्दी एंड पौष्टिक रहते हैं यार। तो डूड देखते हैं आगे का साइकिल, अभी अभी तो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है, सभी बैठना है यहीं पर। हे डूड, तो यार अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे यहाँ पे रैली निकाली जा रही है, अभी दिखाते हैं आप। हे डूड, तो यार ये रैली निकल गई जो मैंने आपको दिखाई, एंड ये थी भीमराव अंबेडकर जी की जयंती निकली है, एंड उनके महान सेना नायक वो लेटे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए सेनापति, सेनापति जी यहाँ लेटे हुए हैं भीम आर्मी के। 90 number 80 number लाने वाला बच्चा जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आता है, एससी वाला बंदा 60 number लेके बाजी मार के जाते हैं। तो यार मतलब ये बात नहीं है मुझे, मतलब आरक्षण से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि पढ़ाई में आरक्षण का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यार पढ़ाई दोनों बंदे करते हैं, तो
तो पढ़ाई में समानता होनी चाहिए, तभी ठीक रहेगा। तो डूड अभी चल रहे हैं अपन अपनी कटिंग कराने, एंड जो चल रहा है चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बड़ी तो चल रहे हैं अपन लोग, अभी कटिंग कराते हैं जल्दी से और फिर देखते हैं आगे का सीन बनता क्या है। डूड तो डूड अभी आ गए हैं अपनी कटिंग की शॉप पे, एंड जिसको कटिंग करनी है वो खुद अपनी कटिंग करवा रहा है मतलब वो कटिंग करेगा मेरी रोहित, तो वो खुद की कटिंग करवा रहा है अभी कौन सा तीन दिन आता है दो रोट तो 5-10 मिनट में यार कटिंग करवाते हैं, फिर इसके बाद यार नहाना धोना पड़ेगा फिर से। गुरुवार को यहाँ यार इतना कतरा जाम लगता है क्योंकि ट्रैक्टर वाले फोर व्हीलर वाले सारे यहीं से निकलते हैं। जाम देखो आप कितना शानदार जाम है। डूड तो यार फाइनली फिर से आ गए हैं रोहित भाई के शॉप पर, एंड रोहित भाई अपनी बॉडी शॉडी दिखा रहे हैं अभी, देखो खुद की कटिंग कर रहे हैं, खुद की कटिंग कर ली अभी, एंड अब हमारी कटिंग करने वाले हैं। वैसे बाल हाल तो है नहीं यार, देखो भाई साहब लाइट गायब हो गई है अभी। इस तरीके की सजावट की गई है यार, हे डूड तो यार अभी शॉप पर आ गए वापस, एंड कटिंग हो गई है। कटिंग क्या होगी यार, बाल माल है नहीं अभी, एंड थोड़ी सी सेटिंग करवा ली बालों की और दाढ़ी आड़ी की सेटिंग करवा ली शॉप पे। तो बड़ी अभी मंदिर में तो आज नहीं पार्टिसिपेट कर पाए थे बिकॉज उस टाइम पे मैं शॉप पे था। तो गाइस अभी चलना है घर के लिए बिकॉज सारा मार्केट हो गया है क्लोज बाहर का, एंड अपनी शॉप भी बढ़ाते हैं और चलते हैं घर। बड़ी इस शकुंतला देवी जी ने हमें देखा और शकुंतला देवी जी जी हाजिर, ये रोटी खा रही हैं आराम से। इसके यहाँ पे घाव लग गया था यार, अब ठीक हो गया। 2-3 बार दवाई मैंने भी डाली थी इसको, लाया था एक बार। हे डूड तो यार हम घर पे आ गए हैं बेसिकली, एंड सब बढ़ाने के बाद अभी हम अपनी छत के ऊपर हैं और यहाँ से हम आपको चंदा मामा दिखा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए आसमान में जगमगाते हुए चंदा मामा, चंदा मामा दूर के, यार क्लासिक सीन लगता है यार मुझे, मतलब पर डे सनराइज़ देखना पसंद है, एंड नाइट के टाइम मुझे मून देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। चंदा मामा रॉकिंग डूड, चंदा मामा देखो मेरे पास आ रहे हैं भाई। डूड तो अपने आ गए हैं अपने स्वीट रूम में, एंड दिस इज माय स्वीट रूम। तो गाइस बहुत ज़्यादा कार्टून बंदी कर रहा हूँ मैं ब्लॉगिंग के लिए, एंड बहुत सारे ऐसे मूवमेंट रहते हैं काफ़ी फनी हो जाते हैं। तो गाइस आज का दिन काफ़ी बिंदास रहा, बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास रहा, एंड एक बात कहेंगे आपसे वही जो सेम बोलते हैं, अगर ब्लॉग पे नए आए हो डूड तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बड़ी, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड फिर मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बड़े गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।